लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है और 20 लोग भी उन्हें नहीं देखते हैं। अब जैसे अमोल गुप्ते सर भी थे जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया था, दो हफ्ते पहले वो हमारे शो पे आए थे। सारेगामापा लिटिल चैंप्स के होस्ट आदित्य नारायण ने रिएक्ट किया ऑन बैन ऑन किड्स शो। कुछ वक्त पहले डायरेक्टर सुजीत सिरकार ने कहा था कि किड्स रियलिटी शोज को बैन कर देना चाहिए, तो इस पर ये कहा आदित्य ने, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हम इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे शो पे आते हैं वो दे आर ट्रीटेड विद लव रिस्पेक्ट। उनको उनके टाइमिंग्स पे उनको उनकी उनका काम होता है, हमको उनको खिलाते पिलाते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आई एम श्योर दैट ही मस्ट हैव स्पोकन अबाउट मे बी सम अदर शो जिनका जिसका एक्सपीरियंस उनको ऐसा लगा होगा कि ख़राब है, बट ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमारा शो ऐसा नहीं है। ये बात तो सही है, पर आपको नहीं लगता कि बच्चों पर स्ट्रेस पड़ता है और क्यों बच्चों के लिए रियलिटी शोज इतने जरूरी हैं? आई थिंक इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लोगों की जिंदगी निकल जाती है और 20 लोग भी उन्हें नहीं देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। ये इनके बड़े होने से पहले लोग इनके नाम जानते हैं, इनका हुनर जानते हैं। वैसे आदित्य ने सुजीत के साथ साथ अमोल गुप्ते पर भी निशाना कसा, सुनिए कैसे। अब जैसे अमोल गुप्ते सर भी थे जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया था, बट फिर कुछ दो हफ्ते पहले वो हमारे शो पे आए थे और उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट की थी। वेल ये तो ठीक है, अब सारेगामापा खत्म होने आ रहा है, तो इस शो को मिले ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहना है आपको? टचवुड, लोगों ने हमेशा पसंद किया है और इसका श्रेय जाता है सबसे ज़्यादा हमारे कंटेस्टेंट्स को जो इतना खूबसूरत गाते हैं, खास करके इस सीज़न के जो हमारे बच्चे हैं लिटिल चैंप्स हैं। आई थिंक दे आर एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, फोकस्ड, और इतनी कम उम्र में मैंने आई डोंट थिंक मैंने इतने ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों को हार्ड वर्क करते हुए देखा है, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और हमारे तीनों जो जजेस हैं नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया जी और जावेद अली भाई, आई थिंक उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इन बच्चों को ग्रूम करने का। आदित्य ने साफ साफ जाहिर किया कि उनके शो में बच्चों पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, एंड वी होप कि ना कि सिर्फ ये शो बल्कि हर किड्स रियलिटी शो उनके लिए स्ट्रेस फ्री हो।